उन्नाव से रायबरेली के रास्ते में 28 जुलाई को हुआ एक्सीडेंट साजिश था या हादसा, इसका खुलासा उस सीसीटीवी की फुटेज से हो सकता है जो मौकाए वारदात से केवल 8 किलोमीटर दूर एक टोल प्लाजा की है। एक्सीडेंट से पहले पीड़िता की मारुति कार इस टोल से गुजरी थी। आज तक की टीम ने टोल पर लगे इस सीसीटीवी के फुटेज को ढूंढ निकाला है जिसमें पीड़िता की कार टोल से गुजरते हुए साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें उसी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी के कैमरे की हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पीड़िता की कार इस टोल से 28 जुलाई 2019 को दोपहर 12:32 पर गुजरी। ये पहले कैमरे से ली गई तस्वीर है और ये दूसरे कैमरे से जो रायबरेली की तरफ जाने वाली रोड पर लगा हुआ है। हादसे से आखिरी 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज इस वारदात का राज फाश कर सकता है। हालांकि यूपी पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि उसने अभी इस अहम सबूत पर अपनी नजरें दौड़ाई ही नहीं। ये जो कार है इसमें आगे की तरफ पीड़िता बैठी हुई है जबकि ड्राइविंग सीट पर जो वकील है वो बैठे हुए हैं और दो पीछे महिलाएं बैठी हुई। कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त बारिश हो रही थी, यहाँ से जो इस टोल प्लाजा पर मैं खड़ा हूँ अहिहार इसका नाम है, और यहाँ से अटोरी जो इलाका है जहाँ पर ये हादसा हुआ था वो तकरीबन 8 मिनट के डिस्टेंस पर है। 12:32 के लगभग इस कार यहाँ से गुजरती है। उन्नाव रेप कांड की शिकार लड़की लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत से जूझ रही है और इधर पीड़ित परिवार की सांसें आरोपी विधायक की धमकी से अटकी पड़ी हैं। पीड़िता के रिश्तेदार ही नहीं वकील तक आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर और उसके गुर्गों का किस कदर टेरर है। बाकी सारे लोग यही है कि अभी तो चाचा को अंदर किया, अभी तो लटकाना बाकी है, अभी तो जो है तुम लोगों को भगवान खिया पहुंचाना बाकी है। ये किसने कहा था? ये सब हरपाल के लड़के ने, नवीन सिंह ने और कुन्नू विनोद मिश्रा सब कोर्ट पे बोलते थे सर, जब जाते थे ये लोग तो रास्ते में घेरते थे, तो इन्होंने FIR दर्ज की थी, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। भाई साहब वकील होने के नाते सब कुछ जानते हुए कुछ कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन कुलदीप बहुत प्रभावशाली, बहुत दबंग है। इनके पड़ोसी हैं, इनका तो घर ही नाश हो गया, इनके घर में तो कोई बचा ही नहीं। मैं चूंकि उन्नाव में ही रहूंगा, जीवन भर यही वकालत रहूंगा, तो मैं खुल के बैर लेने के लिए कुछ कहने की पोजीशन में हूं नहीं सर। फिर भी लेकिन ये माना जाए दबाव था, कंटिन्यू बहुत बड़ा फुल साइज। कभी डायरेक्ट उन्होंने कहा या उनके लोग आते? सर आप समझने की कोशिश करिए, एक पिक्चर सरकार आई थी, ये कहानी बिल्कुल वैसी हो गई है। हम लोग बहुत उस पोजीशन में नहीं कि हम अपने मुंह से कुछ कह सकें, हमको उन्नाव में रहना। कुछ दिन पहले पीड़िता के परिवार को धमकाने का मोबाइल वीडियो भी सामने आया था। डोंट माइंड, आएंगे, हमेशा आएंगे, जिंदगी है, पारिवारिक है, मैं आऊंगा। परिवार तुम्हारा कहाँ है? परिवार तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमारे द्वारे मत आना बस। पीड़ित परिवार के आरोप और इस मोबाइल क्लिप को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी मुश्किल है। साथ ही इस थ्योरी पर भी यकीन करना कितना मुश्किल है कि रायबरेली में पीड़िता की कार में ट्रक की टक्कर महज इत्तेफाक थी। रायबरेली से अरविंद ओझा और उन्नाव से शिवेंद्र श्रीवास्तव।